मैं सीमा पराशर, मैं रूपाली फाउंडेशन एनजीओ से बोल रही हूँ। मैं एनजीओ महिलाओं, दिव्यांगों और बच्चों के ऊपर मैं एनजीओ चलाती हूँ। मैं अपनी सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज रात 9 बजे सभी महिलाएं अपने घर से निकले, अपनी बालकोनी, अपनी खिड़की, अपनी छतों पे, अपने गेट पे आकर ये कैंडल, मोबाइल, ये दी टॉर्च वगैरह निकाल के कोरोना वायरस को भगाना है। आप एक महिला है और आप एनजीओ चलाती हैं, एनजीओ के कितने सदस्यों को आपने फोन किया, ऐसे लोगों को बताया? मेरी जितनी भी महिलाएं एनजीओ मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मैंने उनको सबको उसमें डाल दिया है कि सभी लोग आज 9 बजे रात को ये कैंडल वगैरह चला के। आप क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अपने क्षेत्र के लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन करा है कि अपने घर के अंदर हो, अपने घर से बाहर न निकले। अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर चलेंगे तो हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे और ये कोरोना वायरस को भगाएंगे। अगर सभी लोग अपने अपने घर पे रहेंगे तो हमें लगता है कि हम जल्दी ही इस बीमारी को दूर कर पाएंगे। सीमा जी, आज कोरोना वायरस को लेकर के लोग भुखमरी कगार पे रहे, किस तरह से आप सहयोग करेंगी इनका? देखो, हम काफी लोग हम लोगों के पास भी आए थे, ये लोग इनके पास राशन नहीं था, हम लोगों के पास आए ये लोग। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, 20-25 लोगों को हमने पूरा देखा है, उनके घर पे भी कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने अपने एनजीओ के माध्यम से, मेरे हस्बैंड ने साथ मिलकर हम लोगों ने उनकी मदद करी है। ऐसे कितने लोगों को आपने राशन दिया है? हमने 20-25 लोगों की मदद करी है। निगम पार्षद जी ने भी खाने की व्यवस्था करी हुई है और हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी ने भी हर स्कूलों में खाने की पूरी व्यवस्था करी है। सुबह का भी मतलब खाना दिया जा रहा है, शाम का भी खाना दिया जा रहा है, काफी दूर तक लाइनें लगी हुई है कुछ गैपिंग बना के। मेरा पूरे देशवासियों से एक अनुरोध है कि ज्यादा तो ज्यादा महिलाओं से है कि आज शाम 9 बजे ये जो बालकोनियों से कैंडल वगैरह ये रखा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये चीजें ना दे और प्लीज कृपा करके हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी महिलाएं अपने बच्चों के, अपने या बच्चों के हाथ में सैनिटाइजर ना लगा के इसका उपयोग करें। नमस्ते भारत चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।